चाय वाय के तकल्लुफ में पड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस अपनी होने वाली भाभी को अंगूठी पहनाने आई हूँ। ये तो बहुत मना कर रहा था, मैंने कहा मैं अंगूठी पहनाए बगैर जाऊंगी नहीं। तुम वहाँ खड़ी क्यों हो? पास आओ, अपनी होने वाली नंद के पास आकर बैठो। आओ जाओ जाओ, बैठो, पास बैठो। इजाजत है। ये सब क्या हो रहा है? जिसवान से रिश्ता तय हो रहा है उजाला का, और क्या हो रहा है? मगर मुझसे तो रिजवान के हवाले से किसी ने बात नहीं की, और ना ही उजाला से किसी ने जिक्र किया, और बीजान से तो पूछ लेते आप लोग। मैंने अम्मा जी से पूछ लिया, उन्हें कोई एतराज नहीं, और तुम्हें भी एतराज नहीं होना चाहिए। अच्छा खासा लड़का है माशाल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन मुझे एतराज है। मैं ये शादी नहीं करूंगी, और आप में से कोई भी मुझे जबरदस्ती कायल नहीं कर सकता। और आप लोग जा सकते हैं यहां से। रिश्ता लेकर आया, कहा था ना मैंने तुझे कि अच्छे घर में रिश्ता नहीं कर सकते ये लोग। इसे तक क्या रहा है? चल। अरे अरे, अरे रुको तो, रुक तो जाए मेरी। अरे बात रुको तो, बात को आजा मेरे साथ, देख ले उनको खराब मुंह उठा के। उसने तो सारा प्लान ही खराब कर दिया। सत्या पांचा, मेरे होते हुए कोई भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन उजाला तुम्हें कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो शादी करनी होगी ना। आप क्या जल्दी है शादी की? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम... कुछ नहीं, और मैंने कुछ नहीं किया है। खुदा के लिए आप तो मेरा यकीन करें, मैं तो आपकी बहन हूँ, मुझे कैसे उस जुर्म की सजा दे सकती है जो मैंने नहीं किया? मुझे तुम पे पूरा यकीन है उजाला, लेकिन जो पुलिस ने सबूत दिखाए वो झूठ है। आप सब झूठ है। सुहेब ने सिर्फ मेरा हाथ पकड़ा था और कुछ नहीं। हाथ पकड़ना भी तो मायूब है ना, और क्या जरूरत थी उस जुहेब को कि सुनसान सड़क पे ले जाके किसी फिल्मी हीरो की तरह तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें प्रपोज करे। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था इस जुहेब के चक्कर में ना पड़ना, और उस किरण ने भी बताया था, बहुत ही दिल फेंक फ्लर्ट किस्म का लड़का है, उसका लड़कियों के साथ माशकार चलता है, और बाहर भी उसने दो तीन गोरियों के साथ। झूठ बोलती है, अभी झूठ बोलती है, बकवास करती है। वो बस ये बात जानती है कि जुहेब मुझे पसंद करता है, इसीलिए सब करती है, जलती है मुझसे। उजाला, अगर जुहेब को तुम्हें दिलचस्पी होती ना, तो वो अपने माँ बाप को तुम्हारा रिश्ता लेने भेजता इज्जत के साथ। उसने ऐसा किया नहीं ना? तुम्हें अभी भी अकल नहीं आ रही? अभी भी उसका इंतजार कर रही हो? मैंने आपसे कब कहा कि मैं उसके इंतजार में बैठी हूँ? मैंने आज तक जुहेब से शादी का ख्वाब नहीं देखा है, आप मुझे उसके नाम का ताना कैसे दे सकती हैं? तो बस फिर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखती हूँ, और जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर। आप भी प्लीज हाथ जोड़े मेरे, रहम करें, नहीं करनी मुझे शादी। शादी नहीं करनी तो और क्या करना है? तुम क्यों नहीं समझ रही हो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, समझने की कोशिश क्यों नहीं करती उजाला? ये घर और इस घर के लोग तुम्हारे लायक नहीं है। बस इतनी सी बात, अगर आप ये चाहती हैं कि मैं इस घर में ना रहूं तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन शादी शादी नहीं करूंगी मैं। कहाँ चली जाती हो? कहीं भी चली जाऊंगी, किसी हॉस्टल में रह लूंगी, कोई नौकरी कर लूंगी, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। लेकिन तुम ऐसे? बस आपी, अब सबके लिए मेरे लिए यही बेहतर। ठीक है, अगर तुमने इस घर से जाने का फैसला कर लिया है तो याद रखना तुम इस घर से अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। आप क्यों जाएंगी अपना घर मेरे लिए छोड़कर? ये आपके शोहर का घर है। अगर तुम चाहती हो कि मेरा घर बसा रहे, तो अपने दिल और दिमाग से इस घर को छोड़ के जाने का सोचना छोड़ दो,
समझी तुम? अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया ना तो याद रखना मैं अपना घर, अपने बच्चे, अपना शौहर सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी। घर छोड़ के जाएंगी ये